तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अपने फेसबुक पेज पर वीडियो अपलोड करने का एकदम परफेक्ट तरीका। अगर आप अपने पेज पर अच्छे से अपना वीडियो को अपलोड नहीं करते हैं, मतलब सही तरीके से अपना वीडियो को अपलोड नहीं करते हैं, तो आपके वीडियो पर व्यूज नहीं आएगा। क्योंकि आपने फेसबुक पर जाके देखे होंगे कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो पर आपने देखा होगा मिलियंस में व्यूज है। आप जितना भी स्क्रॉल करेंगे सारे का सारे जगह मिलियंस में व्यूज देखने को मिलेगा, लेकिन आपके वीडियो पर व्यूज क्यों नहीं है? आपके वीडियो पर 10, 20, 50, 100 व्यूज क्यों आता है? तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एकदम फेसबुक पर वीडियो अपलोड करने का एकदम सही तरीका। अगर आपने कुछ इस तरीके से अपना वीडियो को अपलोड करते हैं तो आप देख लेना 5 से 10 वीडियो के अंदर आपको जो रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बट आपको करना क्या होगा, आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और आपको समझना है कि हम अपना वीडियो को किस तरीके से अपलोड करें ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा मेरा वीडियो पर व्यूज आए। क्योंकि हमारी वीडियो पर व्यूज पाने के लिए हमारा वीडियो को सबसे पहले ऑडियंस तक पहुंचाना होगा। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा सही तरीका एकदम फेसबुक पर वीडियो अपलोड करने का। इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो में अगर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर कुछ इसी तरीके से इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट आपको हमेशा के लिए मिलता रहता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो अपलोड करना दिखाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप जो है कि दो जगह से वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, YouTube पर YT स्टूडियो होता है, सेम उसी तरीके से Facebook पर होता है क्रिएटर स्टूडियो। अब चाहो तो आप क्रिएटर स्टूडियो से भी आप अपना वीडियो को अपलोड कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो अपना Facebook का पेज के अंदर से जाके भी आप अपना वीडियो को अपलोड कर सकते हो। लेकिन आज मैं आप लोगों को एकदम राइट तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, सही तरीका दिखाने वाला हूं। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको क्रोम ब्राउजर से अपना वीडियो को अपलोड करना है। और ज्यादातर क्रिएटर की अगर बात करें, जितना लोगों ने अपना वीडियो को वायरल किया है, ज्यादातर क्रिएटर जो कि अपना वीडियो को क्रोम ब्राउजर से अपलोड करते हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इस चीज को आप समझ लेना और मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको क्रोम ब्राउजर से किस तरीके से जो कि अपना वीडियो को अपलोड करना है। तो आज मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि आपको क्रोम ब्राउजर से किस तरीके से आप जो है कि अपना वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप क्रोम ब्राउजर को ओपन करो। ओपन करने के बाद यहां पर जो सर्च बार दिया गया है इस पर आओ, यहां पर सर्च करो फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो। जैसे कि यूट्यूब का होता है यूट्यूब स्टूडियो, सेम यहां पर होता है फेसबुक का क्रिएटर स्टूडियो। आप इस पर क्लिक करो। क्लिक करने से आपके सामने जो पहला आर्टिकल आएगा, जैसे कि यहां पर देख सकते हैं ये रहा आर्टिकल, आप इस आर्टिकल पर क्लिक करो। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। तो सबसे पहले आपको यहां पर जो कि अपना अकाउंट को लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। तो आप क्या करें, सबसे पहले अपना जो अकाउंट है फेसबुक का मेन अकाउंट है, आप उस अकाउंट को यहां पर लॉगिन करें। फिर आपके सामने यहां पर पेज शो हो जाएगा। आप चाहो तो यहां पर आप किस पेज में अपलोड करना चाहते हो तो आप यहां पर जो कोने में ऑप्शन देख सकते हैं, यहां पर क्या है, यहाँ पर एक कोने में एक ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने सारे आपका पेज बना हुआ है सारे का सारे पेज जो है कि यहाँ पर शो हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, मैं जस्ट पेज बना कर रखा हूँ, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बहुत सारा चीज़ दिखाना पड़ता है इसीलिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसी पेज पर मैंने वीडियो को अपलोड करता हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएट पोस्ट का एक ऑप्शन है, क्रिएट पोस्ट। अब आपको करने का है क्रिएट पोस्ट में क्लिक करना है। क्रिएट पोस्ट में क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर देख सकते हैं जो भी है आप यहाँ पर इसे बैक कर लो। बैक करने के बाद यहाँ पर इसे नॉट नाउ कर देते हैं। फिर आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर आप क्या अपलोड करना चाहते हैं, इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऐड फोटो, अगर आपने चाहते हैं फोटो अपलोड करेंगे तो आप फोटो अपलोड कर सकते हैं, ऐड वीडियो, आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं, टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपलोड करने वाला वीडियो, तो वीडियो सेक्शन में आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने तीन ऑप्शन हो रहे हैं, अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप और ऐड फ्रॉम फाइल मैनेजर और क्रिएट वीडियो फ्रॉम इमेज। तो आप जो भी करना चाहे आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप मैंने कर लेता हूँ। फिर आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पर जिस वीडियो को आप अपलोड करना चाहते हैं, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए, जैसे कि मैंने इस वीडियो पर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने डन में क्लिक कर दिया। अब डन में क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं ये वीडियो जो कि प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसेसिंग होना शुरू हो गया है। अब प्रोसेसिंग खत्म होते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने आएगा पोस्ट डिटेल्स, यहाँ पर आ गया। अब आपको करने का है यहाँ पर, जैसे कि अगर आपने क्रिएटर स्टूडियो से करते हैं तो वहाँ पर आपको सारा चीज़ नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको सब कुछ आपको देने का ऑप्शन मिलता है जिस तरीके से आपका वीडियो जो कि वायरल होगा। इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो अपलोड होना शुरू हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं यहाँ पर वीडियो अपलोड होना शुरू हो चुका है। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ आपका काम क्या होगा। यहाँ पर आने के बाद आपका सबसे पहला काम होगा, थोड़ा सा नीचे आते हैं,
और नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जूम करते ही से, जूम करने के बाद यहाँ पर देंगे एड ए टाइटल यू टू योर वीडियो। तो आपको करने का है यहाँ पर अपना वीडियो का टाइटल देना है, फिर आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, तो आपको डिस्क्रिप्शन देना है। उसके साथों साथ आपको करने का है यहाँ पर शो मोर का ऑप्शन दिया गया है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, टैग एंड क्रॉप एरर, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, किसी को आप टैग भी कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आपने चाहते हैं यहाँ पर देख सकते थंबनेल का भी ऑप्शन दिया गया है, आप चाहो तो यहाँ पर थंबनेल भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यूट्यूब पर क्या होता है, अपना वीडियो को जब अपलोड करते हैं तो आपको चार थंबनेल ऐसे ही सजेस्ट करता है, तो अगर आपने चाहा तो वहां से अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर थंबनेल बना हुआ है तो ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करने का है यहां पर देख सकते हैं आपके सामने ये वीडियो तो अपलोड हो ही रहा है, यहां पर मैं आपको दिखा दूं ये वीडियो यहाँ पर अपलोड हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर देंगे 82% अपलोड हो गया। तो अब हम नीचे ये सारे काम कर लेते हैं कि हमें जो कि अपने थंबनेल भी लगाना होता है और टाइटल भी लगाना होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। थंबनेल में क्या करेंगे, यहाँ पर चूज फ्रॉम फार्म अपलोड इमेज, इस पर क्लिक किया, यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड इमेज का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपका जो कि फाइल में लेके जाएगा, जहाँ भी है आपका थंबनेल बना हुआ है आप उस थंबनेल को यूज करो, जैसे कि मैं ले लेता हूँ। तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर एक जो कि थंबनेल ऐड कर लिया, यहाँ पर देख सकते थंबनेल लगा लिया। अब आपको करना क्या है, आपका यहाँ पर टाइटल देना है। आप टाइटल में क्या देंगे, यहाँ पर आपका जो कि मेन काम होता है, आप क्या करो, आपका जो वीडियो है, जिस रिलेटेड आपका वीडियो है, जिस पर्पस में आप वीडियो बना रहे हैं, आपको टाइटल को कुछ इस तरीके से कैची बनाना है ताकि लोग जो कि देखे, आपने मूवी में देखा होगा कि इन्होंने जो कि इसको ऐसे ही मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ इस तरीके से टाइटल लिखता है। आप देखते हैं क्या करते हैं, आपका मन में क्यूरियोसिटी जागता है कि नहीं हमें इस वीडियो को देखना चाहिए, इस वीडियो के अंदर, इस मूवी के अंदर एक्चुअली हुआ क्या है। आपने देखे फिर भी देखते हैं, पुष्पा मूवी की अगर बात करें तो आपने देखे है कितने बार, फिर अगर पुष्पा मूवी को अगर दिखाया जाता है आपके सामने आता है तो फिर आप देख लेते, क्योंकि वहां पर आपको टाइटल कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। अब पुष्पा का मूवी में टाइटल ही कुछ ऐसा लिखा जाता है, आप फिर उस मूवी के देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, अपना टाइटल को भाई अपने दिमाग से लिखो, जो भी वीडियो है, जिस रिलेटेड वीडियो है, आप उसके ऊपर रिसर्च करो और उसके बाद जो कि टाइटल लिखो। अब टाइटल लिखने के बाद यहां पर डिस्क्रिप्शन में वही टाइटल को यहां पर पेस्ट करो, जैसे कि मैं यहां पर जस्ट मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहां पर लिख देता हूं हाउ टू मोर व्यूज ऑन फेसबुक, मैंने यहां पर लिख लिया। अब लिखने के बाद करना क्या है, आपको इसे कॉपी करना है, सिलेक्ट ऑल कॉपी, और यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर आओ और इसे यहां पर पेस्ट कर दो। पेस्ट कर देने के बाद आप थोड़ा सा यहाँ पर एरो देंगे और नीचे यहाँ पर कुछ हैशटैग देना है, आपका वीडियो जिस रिलेटेड है उस रिलेटेड आपको हैशटैग देना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने हैशटैग पर क्लिक किया व्यूज, मैंने क्या किया व्यूज, हैशटैग गेट मोर व्यूज। तो आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से आपका वीडियो रिलेटेड हैशटैग यूज करना है। अब ये सारा चीज करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो ऑलरेडी यहाँ पर अपलोडेड कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पर ऐड लैंग्वेज में क्लिक करके आप लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज में लोगों को दिखाना चाहते हैं उस हिसाब से लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हैं। साथों साथ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो कि वीडियो का टाइटल और हैशटैग कुछ इस तरीके से यहाँ पर शो हो जाता है। आप इधर क्या करते हैं देते हैं और यहाँ पर जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो करा देता है कि आपका हाँ यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका वीडियो लगने वाला है। अब आपको करने का है थोड़ा सा नीचे आओ, थोड़ा सा नहीं सबसे नीचे आओ। नीचे आने के बाद यहां पर एक ऑप्शन देख सकते हैं, सबसे नीचे देखो नेक्स्ट का ऑप्शन है, क्या है नेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्टिमाइज है, तो आप यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक करो। नेक्स्ट में क्लिक करने से आपके सामने क्या होगा, कुछ इस तरीके से ऑप्टिमाइज होगा, मतलब जो भी ऑप्टिमाइज करना होता है यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो का, यहाँ पर देंगे ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग, इस पर आप क्लिक करो, फिर आपके सामने यहाँ पर आएगा ऑटो पर क्लिक करना है। ऑटो में यहाँ पर देंगे स्मार्ट प्रीव्यू दिखा देता है मोबाइल डेस्कटॉप पर, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर डन में क्लिक कर दो। अब डन में क्लिक कर देने के बाद क्या होगा, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, थोड़ा सा नीचे में यहाँ पर देंगे शेयर का बटन है, अब यहाँ पर हम क्या कहते हैं नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद इस वीडियो को आप क्या करना चाहते हैं, पब्लिक करना चाहते हैं या फिर आप इसे अनलिस्टेड करना चाहते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। साथों साथ यहाँ पर अच्छा चीज देख लीजिए, यहाँ पर क्या है कॉपीराइट म्यूजिक चेक, यहाँ पर आपका कॉपीराइट इस वीडियो पर आएगा कि नहीं आएगा आपको पहले ही चेक किया जाता है, तो आपका कोई टेंशन नहीं रहता है कि हमारे वीडियो पर कॉपीराइट आएगा फिर हमें डिलीट करना है, ऐसा कुछ चेंजेस करने का जरूरत नहीं पड़ता है। आप वीडियो अपलोड करने से पहले आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे कॉपीराइट म्यूजिक, अगर आपके वीडियो पर कॉपीराइट आता है तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। जैसे कि इस वीडियो पर क्या है कॉपीराइटेड म्यूजिक वाज नॉट डेडिकेटेड डिटेक्टेड इन योर वीडियो, मतलब जी कॉपीराइट नहीं है। अभी हम वीडियो को क्या कर सकते हैं अपलोड कर सकते हैं बहुत इजीली, तो हमें क्या होता है यहाँ पर आसान हो जाता है हमारा वीडियो को अपलोड करना और हमें कोई दिक्कत भी नहीं होता है, ये एक जबरदस्त बेनिफिट मिलता है यहाँ पर। फिर आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या कह गए, एलो अदर पेज और पोस्ट एड टू प्लेलिस्ट भी बना सकते हैं, ट्रैकिंग रजिस्ट सब कुछ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है तो आपको क्या करना है, नीचे में यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा, देखो यहाँ पर शेयर वाला बटन। अब शेयर वाला बटन में क्लिक करने से पहले आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना, सबसे नीचे मैं आपको दिखा दूँ, इसे ओपन करते हैं,
यहाँ पर देखो एक पब्लिक का ऑप्शन है, क्या है, एक पब्लिक का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करो तो इस वीडियो को आप क्या करना चाहते हैं, रेस्ट्रिक्टेड ऑडियंस या फिर पब्लिक, जो भी करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर पब्लिक पर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने शेयर पर क्लिक कर दिया। अब जब भी मैंने इस वीडियो पर शेयर पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखेंगे पब्लिशिंग योर वीडियोस, यहाँ पर देखो तो पब्लिशिंग योर पोस्ट, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर होता है। तो ये चीज अगर अपने फेसबुक के पेज से अगर करते हैं ना तो आपको इतना फीचर्स देखने को नहीं मिलेगा, जिससे आपको पता भी नहीं चल रहा है कि मेरे वीडियो पर कॉपीराइट आएगा कि नहीं आएगा, आपको ये चीज़ पता नहीं चलता और ये सारे सेटिंग भी नहीं मिलता आपको। फिर आप यहाँ पर देखेंगे वीडियो पोस्ट प्रोसेसिंग आपके सामने आ गया, यहाँ पर डन में क्लिक कर देना है। अब डन में जब भी क्लिक करोगे तो आपके सामने जो कि वो वीडियो जो कि पोस्ट हो जाएगा वो वीडियो आपको यहाँ से दिख जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो यहाँ पर देखो ये वीडियो ऑलरेडी प्रोसेसिंग में चला गया। अब इनके साथ साथ जिस तरीके से आप यूट्यूब पर सब कुछ कर सकते हैं, अपना चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करो वीडियो पर। वीडियो पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जो भी करना चाहे आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं डॉलर आइकन भी शो हो जाता है, अगर आपने अर्निंग करते हैं तो यहाँ पर डॉलर आइकन भी शो हो जाता है, नॉट मोनेटाइज है इसलिए मोनेटाइज भी शो नहीं रहे। तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं अगर आपने क्रोम ब्राउजर से क्रिएटर स्टूडियो से अगर अपना वीडियो को अपलोड करते हैं। तो ये सारे फीचर्स जो कि आपको ऐसे ही फेसबुक पेज पर नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं आप लोगों को इतने सारे स्टेप से इतने सारे लंबा वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को दिखाया कि आपको जो कि फेसबुक पर वीडियो अपलोड करना है और व्यूज पाना है। मेन बात यह है कि हमें व्यूज पाना है। अगर आप व्यूज पाना चाहते हैं तो आप यहां से वीडियो अपलोड करो, इसका सीक्रेट रास्ता यही है आपका वीडियो पर व्यूज बढ़ाने का। आप जितना भी कोशिश करो वहां पर मेहनत करते करते थक जाओगे, लेकिन यहां से करोगे तो आप जो कि बहुत आसानी से अपना वीडियो को ग्रो कर सकते हैं, व्यूज भी आएगा और आप मन भी भरेगा, आपका मन भी शांत रहेगा। तो आपका मर्जी कहां से आप वीडियो को अपलोड करना चाहते हो। तो आई होप मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश किया कि आपको किस तरीके से अपना फेसबुक पर जो कि अपना वीडियो को अपलोड करना होता है। वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो, और इस वीडियो में अगर पहली बार आए, चैनल में अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए इस तरह का कॉन्टेंट जो कि इस चैनल पर हमेशा के लिए लाते रहता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।